नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। आपके शरीर पर कहीं भी मुहासे होने से कुछ चिंता हो सकती है, लेकिन क्या होगा यदि वे आपके स्तनों पर या फिर आपके निप्पल्स के आसपास दिखाई दे? चिंताजनक लगता है ना, लेकिन शांत हो जाइए क्योंकि ये उतना ही सामान्य है जितना ही आपके स्तनों पर बाल होना। स्तन मुहासे के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इनमें दर्द या खुजली हो जाती है और डिस्चार्ज और लालिमा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो ये कुछ गंभीर होने का संकेत हो सकता है और इसकी जांच कराने की जरूरत है। तो चलिए बात करते हैं कि ब्रेस्ट एक्ने क्या है। मुहासे आम तौर पर तब होते हैं जब एक बाल कूप अतिरिक्त सीबम से भर आता है। यह एक तेल होता है जो हमारी त्वचा द्वारा स्वाभाविक रूप से खुद को मॉइस्चराइज रखने के लिए उत्पादित किया जाता है। जब हमारी त्वचा अतिरिक्त सीबम को खत्म करने में असमर्थ हो जाती है तो यह अक्सर हमारी त्वचा के छिद्रों में फंस जाती है और आखिरकार यह मुहासे का कारण बनता है। ऐसे ही ब्रेस्ट एक्ने के साथ भी होता है। चलिए बात करते हैं ब्रेस्ट एक्ने के पीछे कारणों की। आहार। आपका आहार आपके स्वास्थ्य में प्रमुख भूमिका निभाता है। कुछ खाद्य पदार्थों के अधिक सेवन के परिणाम स्वरूप मुहासों की उपस्थिति की संभावना बढ़ सकती है। तनाव। तनाव शरीर में कोर्टिसोल छोड़ता है और यह आपकी त्वचा के लिए वास्तव में हानिकारक होता है। तनाव सीबम पैदा करने वाली ग्रंथियों को प्रभावित करता है जो वसा से बना एक तैलीय पदार्थ है। इस प्रकार ग्रंथियां अधिक तेल का उत्पादन करती हैं जिससे मुहासे हो सकते हैं। हार्मोनल उतार चढ़ाव। आपका शरीर जीवन भर बहुत सारे बदलावों से गुजरता है और यह एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तर में उतार चढ़ाव के कारण होता है। कई बार यह हमारे हार्मोन हैं जो त्वचा पर कहर बरपाते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।